2 जुलाई सन 2022 आज का पंचांग, आज के तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 2 जुलाई सन 2022 आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा, कौन सी दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह वर्षा ऋतु शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। तृतीया तिथि दोपहर 3:17 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि होगी। आज का वार शनिवार है। आश्लेषा नक्षत्र आज रहेगा और पूरे दिन भर व्याप्त रहने वाला है। आज मध्याह्न काल 11:32 तक हर्षण योग होगा, उसके बाद वज्र योग होगा। बात करण की करें तो आज गर करण 3:18 दोपहर तक रहेगा और उसके बाद वणिज करण होगा। आज का राहु काल का अशुभ समय प्रातः काल 8:56 से लेकर के प्रातः काल 10:41 तक का है। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:56 मध्याह्न काल से लेकर के 12:52 मध्याह्न काल तक रहने वाला है। बात गुलिक काल की करें तो आज का गुलिक काल का समय प्रातः काल 5:26 से प्रारंभ होगा, 7:13 प्रातः काल तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। गुलिक काल में यात्रा, व्यवसाय, नए कार्यों का उद्घाटन व दैनिक दिनचर्या से संबंधित कार्यों को किया जाता है। अभिजीत के शुभ मुहूर्त में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा का है। आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं, अपनी नौकरी, व्यवसाय, कामकाज के लिए पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी विशेष कार्य से पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, अति आवश्यक स्थिति में हैं, तो घर से अदरक व काली उड़द का सेवन करके ही पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें। और जब भी आप घर से यात्रा के लिए निकलें, देखें जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, यानी गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। ध्यान रहे आज आश्लेषा नक्षत्र है जो कि गंडमूल का नक्षत्र है, तो जो भी जातक आज जन्म लेने वाले हैं उन सभी जातकों की गंडमूल नक्षत्र की शांति जरूर करिएगा। गंडमूल का विचार अवश्य करें। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश, आयु, कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।